हेलो दोस्त, आप सबके बीच लाए हैं आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्टकट की। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक नंबर इसमें एसएससी सीजीएल या जेएससी सीजीएल में आपका जरूर एक क्वेश्चन आएगा। पहला है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से होता है सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी से होता है बोल्ड द टेक्स्ट, और कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी द टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस डी से होता है फॉन्ट द टेक्स्ट, और कंट्रोल प्लस ई से होता है सेंटर द अलाइन। सेंटर मतलब सेंटर मतलब होता है बीच में। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एफ। एफ से होता है फाइंड द वर्ड ऑफ करेक्टर, जिससे हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, मतलब लिखे हुए चीज़ को। कंट्रोल प्लस जी। जी से होता है गो टू ऑप्शन, मतलब हम लोग किसी दूसरे पेज में जाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एच। एच से होता है रिप्लेस वर्ड और करेक्टर, रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना किसको, तो वर्ड को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से होता है इटैलिक द टेक्स्ट, इटैलिक मतलब होता है तिरछा, मतलब हल्का सा राइटिंग को तिरछा कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस जे। जे से मतलब होता है जस्टिफाई द वर्ड ऑफ करेक्टर, मैंने पहले जहाँ था वहीं हम ला के रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं कंट्रोल प्लस जे। अगला है कंट्रोल प्लस के। के का मतलब होता, कंट्रोल प्लस के से होता है हाइपर लिंक, मतलब किसी एक से किसी दूसरे जगह हम लोग लगा सकते, किसी के साथ ऐड कर सकते, उसी को बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं। कंट्रोल प्लस एल। एल से होता है, कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट द अलाइन, लेफ्ट मतलब होता है लेफ्ट साइड चला जाएगा। कंट्रोल प्लस एम। एम से होता है टैप फॉरवर्ड, मतलब आगे आगे बढ़ाने के लिए। अब कंट्रोल प्लस एन। एन से होता है न्यू पेज, न्यू पेज। अब कंट्रोल प्लस ओ। ओ से होता है ओपन। और कंट्रोल प्लस पी। पी से होता है प्रिंट। और कंट्रोल प्लस क्यू। क्यू से टैब रिवर्स, रिवर्स होता है पीछे। और उसके बाद कंट्रोल प्लस आर। आर से होता है राइट द ए लाइन। अगला है उसके कंट्रोल प्लस एस। एस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से होता है सेव। और यहाँ से होता है F12, इसको गलती से हो गया है, इसको F12 मतलब होता है सेव एज। F12 से सेव एज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी। टी से होता है टैब। कंट्रोल प्लस यू। यू मतलब होता है अंडरलाइन द वर्ड और करेक्टर। उसका कंट्रोल प्लस वी। वी से होता है पेस्ट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द डॉक्यूमेंट। अगला क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट, कट द टेक्स्ट, मतलब किसी भी टेक्स्ट को आसानी से कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई। वाई से अंडू रिपीट, मैंने कोई भी कट कर दिया उसको अंडू रिपीट से वापस ला सकते हैं, भेज सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड। जेड से मैंने भी आ जाएगा। F5 से होता है रिफरेंस। F7 से होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, हम लोग स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला है F10। F10 का मतलब होता है फाइल मेनू, फाइल मेनू। अगला है F1। F1 से हेल्प। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से होता है इंक्रीजिंग द वर्ड, वर्ड मैंने हम लोग वर्ड को बढ़ा सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इसे डिक्रीजिंग द वर्ड, मैंने हम लोग छोटा राइटिंग को कर सकते हैं। अल्ट दबा कर F4 क्लोज द कंप्यूटर। अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर कॉलम ब्रेक, इससे हम लोग आसानी से कॉलम ब्रेक लगा सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस इंटर। इंटर से होता है पेज ब्रेक, हम लोग पेज ब्रेक हम लोग कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस अप एरो। अप एरो मतलब होता है होम। अब कंट्रोल प्लस राइट एरो, इससे होता है एंड। अगर यहीं तक था आप लोग का शॉर्टकट की, अगर आप लोग के अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।